बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन अगर इसको हम कंपेयर करें तो इनडिसाइसिव क्लोज हुई है। जैसे एक इवनिंग के साथ डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी जिस तरह फॉर्म हुआ था 16 दिसंबर को, तो मैंने कहा था कि ये बेरिश साइन है और इसकी कंफर्मेशन या निगेशन दोनों हो सकती है। तो इसकी कंफर्मेशन हुई बेरिश साइन की और मार्केट ने 58,800 का लेवल भी रीटेस्ट किया। यहाँ देखें काफी, अगर हम देखें तो ठीक ठाक यहाँ से मार्केट नीचे आई है। यहाँ से अगर इसने देखें तो हाई किया था 66,500 का और इसके बाद यहाँ आई 58,700 के दरमियान। अच्छा, और इवन ये एरिया भी एक्सपोज हो चुका था, ये वाला 57, ये मैंने अपने सोशल मीडिया में भी कहा था ग्रुप में जो ट्रेड अलर्ट है। तो यहाँ से इसे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसका पिविटल सपोर्ट या एरिया ऑफ वैल्यू वो यही था। इसको मैं लिख देता हूँ, अभी भी एरिया ऑफ वैल्यू यही है, एरिया ऑफ वैल्यू वीकली पे यही एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी सीपीआर के लेवल काफी श्रिंक हो गए हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंड करने में आपको समझ में आ जाएगा। देखें अब इस वक्त जो लेवल है सीपीआर का लोअर बैंड है 65,000 का, मार्केट उससे नीचे क्लोज हुई है। ऑल दो अगर आप देखें तो 64,500 का जो लेवल है ये भी सपोर्ट लेवल है। ये वीकली कैंडल की नेक लाइन सपोर्ट थी। ये मैंने फ्राइडे वाले दिन मिड डे ब्रीफिंग में अपने ट्रेड अलर्ट ग्रुप में कहा था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ईएमए 25 ऑन डेली टाइम फ्रेम ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल, मतलब दोनों तरफ से अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा था और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है और उसको ऑनर भी किया है। ना सिर्फ सपोर्ट लिया है बल्कि ऑनर भी किया है। मार्केट अगर आवली शॉर्ट ग्राफ में देखें आवली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा बुलिश नोट पे मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ से मजीद अपसाइड देख सकते हैं कहाँ तक, जो एक लेवल मैंने आपसे कहा था कि ये 64,800 का लेवल है, 64,850 बनता है एक्चुअली, ये 64,850 कह लें या 64,900 कह लें, तो ये 64,900 का लेवल जो है इसके ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो सीपीआर का लेवल है लोअर बैंड 65,000 उसके ऊपर सस्टेन एटलीस्ट 65,100 मैं समझूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ साइडवेज भी होती है तो थोड़ा आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 65,100 का लेवल जो है अगर ये मार्केट सस्टेन करती है तो इसके ऊपर अगेन वही हम फिर आगे लेवल जो है यहाँ तक आप देख सकते हैं 65,300 का लेवल हम देख सकते हैं। मतलब ये 300-400 पॉइंट या यहाँ से 500-600 पॉइंट जो है यहाँ पे अप डाउन हम अभी भी यहाँ से वीक बनते हुए देख सकते हैं वीकली पे, क्योंकि मार्केट इस पर न्यूज ड्रिवन चल रही है और आपको सबको पता है कि 8 फरवरी की डेट जो है वो अनाउंस होगी इलेक्शन के लिए। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा होल्ड किया हुआ इन्होंने इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं अपसाइड पे कि थोड़ा और इन्वेस्टमेंट सेव कर लें ताकि नई गवर्नमेंट आए तो वो नई पॉलिसी के साथ नई मैनिफेस्टो के साथ जो देखते हैं कि वो आगे इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जो है पॉलिसी को। तो वो अगर वो समझे अगर आवाम दोस्त हुआ वो तो फिर इंशाल्लाह आगे मार्केट देख सकते हैं अपसाइड पे। तो इस वक्त अभी हम देखें इकोनॉमिकली भी सच कोई इतना कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, लेकिन ये जो इंडेक्स हम देख रहे थे मार्केट बढ़ी थी, कुछ मखसूस स्टॉक सेक्टर थे जिनमें हमने ऑटो सेक्टर देखा, पावर सेक्टर देखा, सीमेंट सेक्टर देखा, इनमें हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी, अपसाइड मूवमेंट दिखाई है इन सेक्टर्स ने। तो इनकी कई वजूहत थी, एक तो काफी लोअर साइड पे आ गए थे और ऑयल सेक्टर स्पेशली आप देखें बहुत लोअर साइड पे आ गया था जिनकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी थी और ईपीएस भी अच्छी आ रही थी। ऑल दो देखें डिविडेंड तो कम दे रहे थे लेकिन ईपीएस बहुत अच्छी आ रही थी, फॉर सपोज पीएसओ देख ले तो इसमें फिर हमने अच्छे मतलब 100 से लेकर 200 डबल तकरीबन समझे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 100 से 150% 200% और इससे ज्यादा भी कुछ स्टॉक ने दिया है। पार्क सुजुकी ने तो बहुत ज्यादा दिया है, वो तो एक अलग मैटर था, वो डी लिस्ट हो रहा है पीएसएक्स से। तो इस तरह से काफी स्टॉक ने आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट टेकिंग तो यहाँ चल रही है यहाँ तक। ठीक है, अब मजीद अपसाइड के लिए मुझे लगता है थोड़ा मार्केट करेक्शन लेगी और जो ले रही है इंट्राडे में देखें ऑन शॉर्ट ग्राफ तो ये मार्केट करेक्शन ले रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है एग्रेसिव बाइंग पे ना है। मेरा मशवरा है कि अभी एग्रेसिव बाइंग ना करें,
रैशनली जो है बाय करें चंक्स में, जो अच्छे स्टॉक है उनको थोड़ा थोड़ा करके, सब जो नए नीचे नीचे सपोर्ट लेवल है उनको आप बाय कर सकते हैं। इनमें ऑयल सेक्टर में बहुत अच्छे स्टॉक है जैसे पीएसओ वगैरह है, पीपीएल, ओजीडीसी, अभी तो खैर हायर साइड पे, अगर नीचे आते हैं तो उनको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें। सीमेंट सेक्टर में काफी अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है, कोहाट है, चेराट है, पाइनियर है, इनको आप जो है इनमें अच्छी वॉलिटिलिटी देखते हैं अलॉन्ग विद डीजीएन, एमएलसीएफ, एफसीसीएल, या अगर हम छोटे स्मॉल कैप में देखें तो ये स्टॉक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इनका आरएसआई भी काफी, अगर देखें तो शॉर्ट ग्राफ में काफी आरएसआई लो साइड, लोअर साइड पे आ गया है, तो यहाँ से आप एक्युमुलेशन थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर में भी, क्योंकि आगे जाके डेवलपमेंट होनी है और आपको पता है डैम भी काफी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंसिडरेशन है, और मजीद डैम जो बनने के लिए है वो अंडर कंसिडरेशन है और मजीद बेड डैम बनने वाले हैं। और डेवलप में जिस तरह मैंने कहा नई गवर्नमेंट आएगी वो नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम इशू करेगी, तो उसमें फिर ये सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी हम मार्केट कैप, अच्छा वॉल्यूम देख लें सबसे पहले, तो वॉल्यूम जो है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक बहुत कम हुआ है, 1.672 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है जबकि लास्ट वीक में 2.22 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। आरएसआई ऑब्वियसली अगर हम देखें वीकली पे तो हायर साइड पर है, और डेली पे भी, डेली पे 60 पे आ गया है, तो दैट मींस कि ये यहाँ पे साइड वे हो सकता है, यहाँ पर भी एक ये देखें आपको मैं डेली पे ही बता दूं, यहाँ पे चला अच्छा हुआ, देखें यहाँ पे भी एक ये इनडिसाइसिव डोजी बता रहा है यहाँ पे, इसको मैं स्पेनिंग टॉप कह सकता हूँ टेक्निकली, तो लेकिन आप इसको इवनिंग स्टार डोजी ही कंसिडर करें। इसके ऊपर जैसे मैंने बताया ना 64,800 है, तो चले इसको हम ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने 65,100 बोला था वो भी है, और ये मिडिल बैंड जो है इसका 65,200 100 200 और ये 300, ये समझे बहुत ही श्रिंक हो गया, 100-100 पॉइंट के तकरीबन समझे फर्क से ये है बैंड जो है। तो इसके नीचे अगर कोई बुलिश बेयरिश कैंडल बनती है तो फिर केयरफुल होना चाहिए। इवन अगर हम देखें यहाँ पे 64,500 का जो लेवल बताया था मैंने सपोर्ट का, इसके नीचे कोई बेयरिश कैंडल बनती है यहाँ से अगर ओपनिंग होती है, या यहाँ भी दिखाता है अपसाइड मूवमेंट 65,000 तक इंडेक्स, फिर यहाँ से बेयरिश कैंडल होती है और इसके नीचे क्लोज होती है तो थोड़ा सा कॉशियस रह जाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेट करें अच्छे स्टॉक्स के नीचे आने के लिए, तो डाउन साइड पे आप एक्यूमुलेट करें। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, एक और भी सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, इसकी खबर भी मैंने अपने उस ट्वीट भी किया था मैंने ट्विटर अकाउंट से कि जीएसपी प्लस जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है तकरीबन 2027, तो ये तकरीबन 4 साल का बनता, तो 4 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। अगर हम 2024 से लें, ऑब्वियसली 2024 शुरू हो गया, तो 24, 25, 26, 27 ये 4 साल ही समझ लें, टोटल 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे भी आप फोकस कर सकते हैं, गुलेमत अच्छा है, आईएलपी ऑलरेडी अच्छी मूवमेंट दिखा चुका है, आईएलपी है, एडीएमएम है, एफएमएल है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन पे आप फोकस करें। छोटे स्टॉक में आप यूसुफ वीविंग देख सकते हैं, उसमें भी अच्छी जो है देख रहे हैं कि वॉल्यूम बन रहे हैं और वॉलिटिलिटी आ रही है उसमें, ऑल दो देखिए इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर छोटा स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, 50-60 पैसे की मूवमेंट दे रहा है, तो ये इसमें अच्छी वॉलिटिलिटी है। अच्छा अब हम आ जाते हैं, देखिए डेली पे मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा हम आवली पे नजर डाल लें। आवली पे जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे इसको ऑनर किया है और यहाँ पे ये किए मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये भी इन्वर्टेड है। अच्छा इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर के अगेन जैसे मैंने कहा कि कंफर्मेशन जरूरी, अगर इसके नीचे बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, ऊपर भी जाती है तो मैंने डेली के हिसाब से बोला है कि जब तक ये लेवल्स के ऊपर मार्केट, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट परफॉर्म ना करे विद इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, जब ये अपर साइड पर मार्केट गई थी तो 9.5 ट्रिलियन का मार्केट ने टारगेट अचीव कर लिया था, और अभी भी उसी दौरान ही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कम नहीं हुआ है, ऑल्दो मार्केट देखें बहुत वोलेटाइल हो रही है, ऊपर से नीचे काफी आ रही है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसने मेंटेन किया हुआ है 9 ट्रिलियन रुपीस, अभी भी आई थिंक 9.4 ट्रिलियन रुपीस के अराउंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये एक खुश आइन बात है, तो ये एक थोड़ी सी होप है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो है एक ये होप है कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाए,
ठीक है, मैं वापिस वीकली की तरफ आ जाता हूँ आपको बताने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे ऑनर किया है उस सपोर्ट को, 64,500 को ऑनर किया है। और एक अच्छी मतलब समझे क्लोजिंग आई है, बुलिश तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी डोजी की शक्ल में, मॉर्निंग स्टार डोजी की शक्ल में आई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है दोबारा ये रीटेस्ट करे इसी लेवल को। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर दूं और एक्सपेंड भी कर दूं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये यहां से फिर रिटेस्ट करे और यहां से कोई बुलिश कैंडल बने और अपसाइड मूवमेंट दिखाए, क्लोजिंग अपसाइड पे आए। लेकिन अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा कॉशियस है, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी फिलहाल तो कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा। देखें क्योंकि अगर ये अगर होता तो IMF की न्यूज की वजह से मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दिखाई लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर सकी, इन लेवल्स को जो स्पेशली मैंने 65,300 बोला था वीकली पे, उसको सस्टेन नहीं कर सकी है। अच्छा, दूसरा ये कि एक तरह से देख रहे हैं ये डबल टॉप भी बना दिया है, तो थोड़ा सा और भी कॉशियस रहे क्योंकि यार एक ये टॉप बना पहले 65,300 को, फिर ये डबल टॉप बना, यहाँ से देखे ना मूवमेंट दिखाई है, यहाँ से शुरू हुआ है, यही 64,500 जो है इसी लेवल से है या इसके नीचे से लेंगे 63,800, ये यहाँ पे एक वीक बनी है लेकिन इसका सपोर्ट लेवल अभी भी यही 64,500 का है वीकली पे। तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट जो है देखिए हमने 63,800 से, लेकिन यहाँ पे 65,300 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहे, यहाँ पे रिजेक्शन भी देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसी को देखते हुए एग्रेसिव बाइंग ना करें, बस अच्छे स्टॉक जो है वो डाउनसाइड पे अच्छा है, डिस्काउंट होती है मार्केट, नए आने वालों के लिए जो नए एंटर हो रहे हैं मार्केट में उनके लिए मार्केट अगर डिस्काउंटेड होती है तो वेरी गुड। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपने ग्रुप में भी कहा था, प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, 25%, 30%, 40%, 50% करें और उस प्रॉफिट को एंजॉय भी करें। अच्छा, अब मैं एक और चीज जो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं आप ये पहले मैंने वीक लेके किया था, आप सबको याद होगा मैंने ये बनाया भी था कि हो सकता है ये बुलिश फ्लैग हो और यहां से अपसाइड मूवमेंट दिखाए। ये मैंने अपना ये फिबोनाची प्लॉट करके बताया था, ये मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये अभी स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ आया था 61,700। वैसे तो मैंने इसको नॉइस क्लियर कर दिया इसकी, देखे ना, वैसे तो ये 58,700 आया था लेकिन इसको मैं यहां तक ले लेता हूँ, इसकी ओपनिंग ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ और इसकी ओपनिंग ले लेता हूँ, कैंडल के हिसाब से कर लेते हैं, चले ठीक है। तो ये सब नॉइस क्लियर हो गई, अपसाइड पे जो मूवमेंट आई, रिजेक्शन आई, नीचे से सपोर्ट आई, तो इसके बाद जो है वही अगेन जिस तरह मैंने कहा था कि ये 66,200 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है 65,300 के बाद। फिर इसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई बुलिश कैंडल यहां से बनती है, और सपोज मैं आपको यहां पे कैंडल बना के बता देता हूं कि यहां से कोई कैंडल बनती है बुलिश, तो फिर ये आने वाले वीकली पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला लेवल भी रिटेस्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। ठीक है, यहां इसको मैं ये येलो कलर दे देता हूं क्योंकि येलो मेरा कस्टमाइज बुलिश कलर है, बुलिश कैंडल का कलर है। तो ये एक लेवल आने वाले दिनों में, ये मैंने नॉइस क्लियर कर दी है, इसके ऊपर भी जा सकता है इंडेक्स, ठीक है ना, वीक बन सकती है लेकिन ये लेवल फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये ब्रीच होता है तो। ठीक है, ये मैं आपको रेड कलर दे दूं, ये रेजिस्टेंस एरिया है 69,000 के अराउंड, ठीक है, 69,100 बन रहा है, 70,000 आप सब 70,000 समझ ले, हो सकता है यहाँ से विक भी बने क्योंकि ये मैंने विक जो है नॉइस क्लियर की, मैंने आपको बता दूं जैसे ये मैंने लिया हुआ है तो नॉइस क्लियर की हुई है मैंने, तो इसी को देखते हुए 69,000 या 70,000 का लेवल है, फिर इसके बाद 73,000 का लेवल ये एक्सपोज हो जाएगा अगर इसको, अगर फॉर सपोज यहाँ पे भी बना दूं मैं एक बुलिश कैंडल, ठीक है, यहां से बुलिश कैंडल एक बनती है तो फिर ये अगला लेवल जो है 73,000 का हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह हम थोड़ा डाउन साइड भी देख लेते हैं, जाहिर सी बात है हमें दोनों एक्सपेक्ट पे देखना चाहिए कि भाई यहां से अपसाइड डाउन साइड मार्केट कहाँ परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, यहां मैंने इसको ले लिया है, ठीक है, अगर इसको ब्रिज करती है 61,100 का, ये मैंने अगेन नॉइस क्लियर कर दी है, तो ये 60,000 ये एक फिर ये सपोर्ट लेवल अगेन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ठीक है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, फिर 56,800, ठीक है, जाहिर सी बात है 57,700 बोला था ना, तो हो सकता है उसको ब्रिज करके ये वाला लेवल भी रिटेस्ट करे आने वाले दिनों में, 56,700 का ये भी लेवल है।
तो ये फिबो का गोल्डन रेशियो है, तो ये 56,700 तक, यहाँ से फिर ये मार्केट अपसाइड पे, या हो सकता है रिट्रेस करती हुई नीचे है, ये नोज डाउन है, ये आपको खबर है जो है उसके ऊपर से, उसके हिसाब से पता चलेगा कि क्या हो रहा है इलेक्शन के। जाहिर सी बात है आजकल जो हॉट टॉपिक है वो इलेक्शन है। अच्छा, अब इसके साथ हमें देखेंगे ट्रेंड लाइन भी मिल गई है फिबोनाची की, मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ले लेता हूं। इसको थोड़ा सा ही इसके साथ, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये कॉशियस रहना चाहिए इधर, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। और अब मैं कैंडल की तरफ आ जाता हूं। तो ये वाला लेवल है आने वाले दिनों में, जिस तरह मैंने बताया आपको 63,600, ठीक है, इसके नीचे अगर ये इसको ब्रेक करता है इस लेवल को इंडेक्स, तो फिर ये मजीद हम डाउन साइड पे देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, 63,800, 63,600 इसके नीचे। अगेन मैं आपको फिर अपसाइड मैंने बताया, अब मैं आपको डाउन साइड भी साथ साथ बता देता हूं कि यहां कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर ये वापस ये वाला लेवल रिटेस्ट हो सकता है। इसको मैं ये ब्लू कलर दे दूं, जो का मेरा ये कस्टमाइज बेरिश कैंडल का है, सॉरी, ठीक है। इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो ये नीचे वीकली पे ये 60,400, फिर इसके अगर नीचे बनता है तो फिर ये एरिया ऑफ वैल्यू आता है, इसके नीचे भी ये दिखा सकता है। अगेन कोई कैंडल बनती है इसके नीचे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 58,700 और 57,700, ठीक है। और इवन ये भी ले लेते हैं, ठीक है, ये लेवल जो है, फिर ये डाउन साइड पे फिर एक्सपोज होते जाएंगे। ये रिस्पेक्टिवली मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक साथ बता दिया, हो सकता है ये बेरिश फ्लैग बनाता हुआ नीचे आया इंडेक्स, ठीक है, रिट्रेस करता हुआ, लेकिन मैंने आपको एक साथ बता दिया है कि जब ये इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बने तो फिर ये जो है 63,800 का लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके जो सपोर्ट लेवल होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं इसके भी मैं वीकली पे, ये कि फिर ये एरिया आ जाएगा बीच में सपोर्ट का, इसकी नेकलाइन सपोर्ट 62,400 का लेवल आ जाएगा। तो ये इसके बाद जो है फिर ये यहाँ से फिर मैं नीचे आती है कैंडल, तो ये वाला लेवल, चले मैं आपको यहां से बता देता हूँ, ये वाला लेवल आ जाएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर अगर हम ये वाला लेवल लें तो ये फिर ये यहां से ये फिर डाउन साइड मूवमेंट यहां तक दिखा देगा, ठीक है। ये आपको रिस्पेक्टिवली ये आपको लेवल मिलते रहेंगे, 62,460 का लेवल, फिर इसके बाद 60,400 का लेवल, 58,700, 57,700, 56,700, ये इसको मैं हटा देता हूँ एरिया वैल्यू को फिलहाल अभी, ठीक है ना। तो ये एरिया भी आ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, हमेशा याद रखिएगा ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। इसका भी मैं आपको यहाँ पे ये या वीडियो अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, ये आपको इसमें काम आएगा। इसको मैं रेजिस्टेंस, इसकी भी नेक लाइन ले ली है मैंने, ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 66,500 का, ठीक है, मैंने इसको ये कैंडल के हिसाब से सब आपको ले लिया है। ये लेवल मैंने आपको बता दिए, आने वाले दिनों में जो है ये लेवल जो है रिटेस्ट हो सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है, दोनों सूरतों में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है प्लान करें, लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मेरा मेन इंडिकेटर है, बहुत वाइटल इंडिकेटर है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो अभी इसको देखते हुए तो अभी मुझे कोई मार्केट नीचे आती हुई नजर नहीं आ रही है, होपफुली मुझे काफी होप है कि यहां से कोई बुलिश कैंडल बनती है तो ये अपसाइड मूवमेंट इंडेक्स दिखाएगा इंट्राडे में, डेली में, आवर्ली पे। जाहिर सी बात है आरएसआई आई होता है तो मार्केट नीचे आती है तो नीचे आता है इंडेक्स। तो आप भी मेरे साथ दुआ करें कि ये मार्केट यहाँ से अपसाइड मजीद मूवमेंट दिखाए, वरना अदरवाइज थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ काम करें और केयरफुल होकर काम करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।